नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज, मैं हूं तनुप्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रोहतास के नौहट्टा थाना के चनोडीह में एक अनियंत्रित जीप पलट गई, जिसमें सवार मां बेटे की मौके वारदात पर मौत हो गई और तीन लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए नौहट्टा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया। मृतक अरुणा देवी मानी गांव की निवासी थी। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तथा शवों को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाई है। गाड़ी पलट गया। कहाँ पे घटना हुआ है? ये चनोडीह में। कौन था? नौहट्टा थाना। कितने लोग की मौत है? शादीशुदा की बातचीत करने के लिए जिन लोग जा रहे थे और गाड़ी पकड़ के, वो गाड़ी जो है कि पीपड़ी हिल के पास अचानक पलट गया लापरवाही से। राज्यपाल फागू चौहान ने पिपरा कोठी के कृषि विज्ञान केंद्र में दो दिवसीय पशु आरोग्य मेले का उद्घाटन किया है। साथ ही 8 मंजिले अनुसंधान भवन का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर पूर्वी चंपारण सह पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह और मोतिहारी विधायक सह राज्य सरकार के गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार, पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी मौजूद रहे। कार्यक्रम के पहले राज्यपाल ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों की आय को बढ़ाना जरूरी है। किसानों के सहयोग से गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में सत्याग्रह का अनूठा प्रयोग किया, जिसके आगे ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। मुझे गर्व है कि मैं उन्हीं किसानों की स्वतंत्रता के बीच आज उपस्थित हूँ। राज्यों के कृषि के यूनिवर्सिटीज हैं, भारत सरकार के 300 यूनिवर्सिटी हैं, फिर राज्य और भारत सरकार के पशुपालन के भी कितने विश्वविद्यालय और कॉलेज हैं। ये सारे कॉलेज, विश्वविद्यालय, रिसर्च इंस्टीट्यूट अभी मिला दे तो 500 से ज्यादा। अररिया शहर के खरैया बस्ती में बिजली के शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। इस अगलगी की घटना में आधा दर्जन से अधिक घर जलकर खाक हो गया। वहीं 15 लाख से अधिक की संपत्ति का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। स्थानीय लोगों और दमकल की दो गाड़ियों की मदद से आग पर किसी तरह काबू पाया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि पास के बिजली के पोल पर लगी तारों में आग लग गई, जिसकी चिंगारी घर पर आकर गिरी और देखते ही देखते आधा दर्जन से अधिक घर इस अगलगी की चपेट में आ गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग की है। दिन के ठीक 3 बजे बिजली शॉर्ट सर्किट के कारण 10 परिवार के घर जल गया, जिसमें एक बकरी भी झुलस के डेथ कर गई, एक गाय और एक बछड़ा झुलस गया, एक व्यक्ति जिसका घर था फिरोज वाला वो भी झुलस गया, हॉस्पिटल में इलाज रखा है। फारविसगंज के आईटीआई मैदान स्थित महिला छात्रावास में गुरुवार की सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच फारविसगंज प्रखंड के 10 पैक्स के चुनाव परिणाम को लेकर मतगणना निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ अमित आनंद की उपस्थिति में शुरू हुआ। पैक्स चुनाव के परिणाम व मतगणना को लेकर सुबह से ही आईटीआई मैदान के चारों ओर प्रत्याशी एवं समर्थकों की भीड़ लगी रही। सुरक्षा को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस पदाधिकारी और बल को तैनात किया गया था। जैसे जैसे पैक्स चुनाव का परिणाम आता गया, प्रत्याशी उनके समर्थक जश्न मनाते हुए नजर आए। बीच में जो है तनवीर था 5 साल के लिए, फिर इस बार हुए। तो क्या प्राथमिकता रहेगी अध्यक्ष बने हैं? प्राथमिकता तो किसान के लिए काम करना है, किसान के लिए जो भी आएगा हम उसको उसके यहाँ हम काम करेंगे। वैशाली में एक युवा किसान के द्वारा छत पर ही किया जा रहा है ऑर्गेनिक खेती, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। किसान के द्वारा लॉकडाउन के खाली समय में इसकी शुरुआत की गई, जहां छत पर ही शिमला मिर्च, टमाटर, धनिया, आलू और बैगन की खेती की जा रही है। फसल तैयार करने के लिए सिर्फ पत्तों की खाद डाली जाती है, कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये बोला आप देखिए, टमाटर फल गया है का है? टमाटर है फला हुआ जी। कितना दिन पहले रोपे थे? ये लॉकडाउन में रोपे थे सर। अच्छा, और उसी समय खाली थे तो रोपे थे और हम नहीं विश्वास किए थे जो ऐसा होगा।
अच्छा, अब देख के मन खुश हो जाता है। छत पे मतलब मन खुश हो रहा है। अच्छा, ये प्रेरणा कहाँ से मिला जी भाई छत पर खेती किया जाएगा? प्रेरणा जैसे यहाँ पर एक गमला में ऐसी लड़का सा खेल रहा था तो वो छोड़ दिया कुछ दिन, लेकिन नहीं किया तो वो माने फल गया। हम देखे जी इतना मिट्टी में जब फल सकता है तो इतना बोरा में कहीं नहीं फल सकता है। अच्छा, इसी सोच के खेती किए हैं। क्या क्या चीज़ की खेती किए हुए हैं अभी तक? ट्रायल में जैसे टमाटर है, आलू रोपे हुए हैं, मिर्चा रोपे हुए हैं, बैंगन रोपे हुए हैं, एलोवेरा रोपे हुए हैं, और प्याज रोपे हुए थे तो खत्म हो गया, लोग खा गया उसको। गया जिले के डोभी थाना क्षेत्र में एक महिला की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। महिला के परिजनों ने मौत का आरोप उसके पति पर लगाया है। घटना से इलाके में सनसनी का माहौल है। वहीं डोभी थाना की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके से महिला के पति को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। 7:30 बजे वो हमारे गाँव घरे फोन कर रहा है कि देखिए न मनु दवा खा कर जहर खा के मर गई है लड़की। घटना के बारे में हम नहीं बता सकते। सूचना मिली होगी ना? सूचना तो थाना से मिला हमको कि फलना जगह जाना है। सब चीज मतलब घाट टूट देख लिए, घाट टूट देख के मरल है। सोना 50,000 के सोना दीजिएगा तो आप जाए देंगे शादी में, और नहीं देगा शादी में तो नहीं जाए देंगे। अच्छा, वही के लिए तो मरा है। गया जिले के कोठी थाना के कोठी बाजार में चोरों ने एक ही रात में 5 दुकानों को निशाना बनाया। चोरों ने 3 किलो चांदी एवं 20 ग्राम सोने के जेवरात सहित 5 दुकानों से लाखों रुपए की नकद की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इस संबंध में पीड़ित ने बताया है कि चोरों ने वेंटिलेटर से घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। वही एक ही रात में कोठी बाजार से 5 दुकानों से चोरी की घटना को लेकर लोगों में रोष व्याप्त है। ना हुई कि मतलब हम कल सुबह में दुकान पे आए, दुकान का सेटर उठाए तो देखें कि यहाँ पे मेरा कैश था, 1,00,000 रुपये कैश था। कैश भी निकाल लिया गया और यहाँ निशान वेंटिलेटर वगैरह से कूदा है आदमी। तो चोर किस रास्ता कैसे घुसा चोर? तो चोर यहाँ पे वेंटिलेटर है, वेंटिलेटर के द्वारा दुकान में घुसा है। घुसने के बाद ये देखिए लॉक को तोड़ के और जो भी मेरा कैश था कैश निकाल के लेके चले। घटना ये हुई कि यहाँ पे हमारे यहाँ जो है चोरी हो गई है, 5 दुकान में चोरी हुई। सुबह हम लोग को मालूम चला बगल के दुकान वाले से कि 5 दुकान में चोरी हुई है। जब हम यहाँ पे पहुँचे तो वाकई में चोरी हुई। जब हम शटर खोल के उसके बाद देखा तो हमारा दराज जो है टूटा हुआ था, और उस दराज में हमारा जो है 20 से 25,000 के लगभग में था। तो चोरी हो गया। हम लोग सर 8 बजे तक रहते हैं दुकान में, उसके बाद में हम उसे बंद करके चले जाते हैं। और शॉर्ट सर्किट के कारण हम लोग क्या हुआ कि हम लोग MCB गिरा के जाते थे। भय था मन में भाई कि शॉर्ट सर्किट ना लग जाए, कैमरा भी बंद था। और उस दिन ही ऐसा हादसा हुआ कि ये देख ही रहे आप, वेंटिलेटर का ले लिए फोटो वगैरह सभी। यहाँ पे 4-5 जो भी दुकान है बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे लूटपाट हुआ है। रोहतास जिले के विक्रमगंज में राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के अपमान से जुड़ा मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है। इस संबंध में पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता रवि कुमार सिंह ने भारत सरकार के गृह सचिव, बिहार सरकार के मुख्य सचिव तथा रोहतास के जिलाधिकारी को पत्र लिखकर इस पर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि पिछले महीने के 25 जनवरी को बिना किसी तकनीकी निर्देश के विक्रमगंज के मुख्य चौराहा तेंदुए चौक पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को स्थापित किया गया था। बाद में 2 दिन के उपरांत ही 27 जनवरी की रात उसे हटा भी दिया गया था। मामला है कि 2-3 दिन से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मीडिया में ये चल रहा है कि स्टेट एम्बलम जो है वो उसका डिसरेस्पेक्ट किया गया है विक्रमगंज नगर परिषद के द्वारा। डिसरेस्पेक्ट इस तरीके से किया गया है कि उसको पहले तो इम्प्रॉपर जगह पे लगाया गया 25 जनवरी 2021 में, और फिर 2 दिन बाद 27 तारीख को उसको हटा दिया गया बिना किसी अप्रूवल, बिना किसी परमिशन के। और सबसे शॉकिंग बात है कि उसको उठा के और कूड़ादान में फेंक दिया गया आपको विक्रमगंज के वार्ड नंबर 22 में। एक बार फिर मधेपुरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मधेपुरा सहित आसपास के 6 जिलों के पुलिस के लिए सरदर्द बन चुके कुख्यात पंचू दास को पुलिस की टीम ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पूरे मामले की जानकारी SP योगेंद्र कुमार ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में दी। तो
रहते हैं जिसमें कि रोमांचित से भर आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अपराध की यहाँ जो घटना हुई थी अब उसमें रोक आएगी और इसमें और इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।